हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे हो। वीडियो मैंने स्टार्ट की है शाम से और आज मैं कान्हा जी की छठी कर रही हूँ। छठे दिन छठी करते हैं ना, जैसे अपने बच्चे की करते हैं। तो कान्हा जी को वैसे मैं भाई मानती हूँ, तो आज है कान्हा जी की छठी और इसके लिए मैं बढ़ी। ये देखिए कढ़ी लगभग बन चुकी है, तो कढ़ी चावल बनेंगे। तो कढ़ी तैयार हो गई है, सिंपल सी कढ़ी बनाई है क्योंकि बिना लहसुन प्याज की बनेगी ना, और बहुत ही अच्छा कलर आया है कढ़ी का। और मैंने कान्हा जी के कपड़े तो चेंज कर दिए हैं, बस पूजा करनी है और देखती हूँ शायद मंदिर में मैं जाऊँ इनके साथ। और कान्हा जी को मैंने, देख लीजिए कौन सी ड्रेस पहनाई है कान्हा जी को, ये वाली ड्रेस पहनाई है रेड कलर की। ये नई ड्रेस इनको पहनाई है आज छठी पे। बस इनका काजल करना है मुझे और पूजा करके भोग लगाना है। तो कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी? और ना कैमरे में ठीक से आता नहीं है साफ ना, तो कान्हा जी के मैंने कहा बस खाना बन जाए, एक तरफ राइस बना दूंगी और भोग लगाना है उनका, वो काजल करना है, यही करना। और ये हमारे कान्हा जी यहाँ पे लेटे। हेलो हेलो, क्या कर रहे हो कान्हा? कान्हा कान्हा। और आज मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, बहुत सारे, और पूजा के जितने पूजा कल मंदिर साफ किया था ना, तो मंदिर के भी बहुत सारे कपड़े हो गए थे, वो सारे हाथ से क्लीन, सब हाथ से ही धुले। तो आज मैं थक गई थी बहुत बुरी तरह। तो आज कान्हा वैसे 3 मंथ का हो गया, तो वो आपको जो इससे पहले ब्लॉग गया होगा उसमें एंजल ने तैयार तो मैंने कर दिया था सुबह, तो उसने वीडियो बनाई होगी, वो आपने देख ही लिया होगा। ऐसी सिंपल सी, आज मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। आज मैं बहुत थक गई थी, बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि हाथ से मैंने इतने कपड़े धुले कि बुरी हालत हो गई। क्योंकि ना हाथ से जीन्स वगैरह धुलना ये बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मशीन में ड्रेन तो हो नहीं रहा है, इसलिए मैंने कहा लाओ हाथ ही से धुल डालती हूँ सारे, फिर मशीन में वो करो, फिर निकालो, फिर इधर लाओ, बहुत झमेले वाला काम मुझे लगता है। इससे अच्छा तो भैया हाथ से ही धुल दो। तो आज मैं सुबह से यही काम कर रही थी, इसलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। एंजल ने कैसे भी करके मैंने उसे नहला बिला के मालिश करके रेडी कर दिया था, तो एंजल ने थोड़ी उसकी फ़ोटो वोटो ली थी बस। तो अभी तो मैं बस जा रही हूँ राइस बनाने, राइस बना के पूजा करके भोग ला के इनके साथ जाऊँगी मंदिर, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। और कान्हा को भी आज मंदिर लेके जाना है मुझे, क्योंकि इसकी मन्नत थी, वो मन्नत पूरी करनी, तो मुझे छतर चढ़ाना था माता रानी को। तो छतर भी मैं ले आई हूँ, देखो छोटा सा छतर लेकर आई हूँ, ये देखिए एक सेकेंड। खुली नहीं रहा, तो ये माता रानी का मैंने छतर बोला था, तो ये छतर मैं लेकर आई हूँ, तो ये अभी मैं चढ़ाने जाऊँगी इनके साथ। हो गया है ना, काफ़ी टाइम हो गया है, तो ज़्यादा दिन टालना नहीं चाहिए, तो मैं सोच रही हूँ इसका प्रसाद चढ़ाए आऊँ। यहीं पे बगल में ही मंदिर है, मनसा देवी का मंदिर है, तो वहाँ जाएंगे इसको लेके। तो यही सारे काम आज हमें निपटाने हैं, सारा काम। अच्छा दिन भी है आज, बुधवार भी है और छठी भी है कान्हा जी की, तो हम सोच रहे हैं इसे लेके जाते हैं मंदिर और वाली मन्नत पूरी कर देते हैं। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। तो आज हस्बैंड ने ली थी छुट्टी, ऑफ लिया था आज, तो इनका क्या है ना, ऑफ़ नहीं होता है, सबका संडे ऑफ होता है, ऑफिस जा रहे हैं तो संडे वनडे हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी होती ही होती है, लेकिन इनका नहीं होता। ये ले सकते हैं अपने मन से अगर लेना चाहे तो, ये महीने में एक या दो बार ले ही लेते हैं। यार इंसान है, इंसान को भी आराम की ज़रूरत होती है, ऐसा तो है नहीं वो पूरे सुबह से लेकर शाम तक रोज़ाना काम ही करता रहेगा। तो अब जिस दिन ये ऑफ भी लेते हैं उस दिन सोते बहुत मस्त हैं दिन में, तो ये पूरा सो लिए थे। और इसके बाद ये हेयर कटिंग करवाने टिंटिन का लेके गए थे, यानी कि माया की हेयर कटिंग कराने गए थे, क्योंकि इसके बाल ना साइड, इन्होंने अपनी पसंद से हेयर कटिंग कराते हैं, ये क्या करते हैं साइड से उसको उड़ा के 20 का छुड़वा रखा है, जबकि इसके बाल इतने सुंदर कर लिए। आपने देखे होंगे पहले जो पीछे वाले ब्लॉग में जाएंगे, इसके बाल बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उन्होंने साइड से इसलिए कटवाया कि इसको दाने निकल आते हैं, कि घमोरियाँ बहुत जल्दी इसको होती हैं, क्योंकि ना ये बैठती नहीं है एक जगह तो बैठ ही नहीं सकती है, कूदती रहेगी इधर से उधर, तो इससे ना पसीने होते, पसीने की वजह से इसको थोड़ा इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, तो इसे घमोरियाँ निकल आती हैं। तो आज इन्होंने ऑफ लिया था, तो ये और एंजल तीनों लोग गए हेयर कटिंग कराने, और मैंने कहा चलो ठीक है सेट करा लो बाल, और वैसे ही सेम करवा रहे हैं ये, साइड से करवा के और बीच का ये छुड़वा देंगे। इससे पहले जब गई थी हेयर कटिंग करवाने 2 महीने पहले, हाँ 1.5-2 महीने पहले करवाई थी, जो ब्लॉग में डाला भी था शायद, तो उसमें ये बहुत रो रही थी, उस वक्त चिल्ला रही थी, मतलब रोती रही। आज ये जब गई है हेयर कटिंग करवाने तो नहीं रो रही है, तो मस्त होकर अपना हेयर कटिंग करा रही है यहाँ पे, मैंने कहा अच्छी बात है। और ये मैडम घर पे आ गई हैं और खेल रही हैं अपने टॉय लगा के,
से वही पूरा घर फैला के इनका पूरा टमर कर एक जगह बैठती नहीं है, जब तक जगी रहेगी। रात के अगर 3 बजे तक जगी है तो 3 बजे तक ये खेलती ही रहेगी। एक बंदा इसे देखता ही रहेगी, कहीं चोट चपेट ना मार दे, तो अपना पूरे टाइम ये खेलती रहेगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय बाय।